आशा दीदी हमारी जयपुर वाली, अनम्यूट करेंगी। हाँ भैया। हाँ सभी को जय जिनेंद्र। आशा जी के बारे में दो मिनट परिचय दे देते हैं भैया। मैं जरा भैया एक बार खाली में मेरा जो मंगलाचरण का थोड़ा सा एक आधा मिनट जी। नमः सिद्धेभ्यः, ॐ नमः सिद्धेभ्यः, ॐ नमः सिद्धेभ्यः। लोकाकाश के अग्रभाग में अनेक मुक्त आत्माएं, सिद्ध आत्माएं, बुद्ध आत्माएं विराजमान है। उन सभी सिद्ध आत्माएं, बुद्ध आत्माओं को और मुक्त आत्माओं को साष्टांग नमस्कार, बारंबार नमस्कार, साष्टांग नमस्कार। मन निर्मल हो, तन निर्मल हो, मन निर्मल हो, तन निर्मल हो, जीवन धन आचरण सदा ही निर्मल हो, तन संबल हो, मन संबल हो, जीवन धन आचरण सदा ही संबल हो, यह जीवन ज्योतिर्मय हो, यह जीवन मंगलमय हो। नमन आत्म परमात्म को, नमन आदि भगवान, नमन मात पिता गुरु, कोटि कोटि बंदन, कोटि कोटि बंदन। आज बड़े हर्ष का आज मुझे अवसर मिला है मुझे बताते हुए आप लोगों के सामने। एक मिनट दीदी, एक मिनट भैया, मेरे बारे में आप ना ही बताइए। नहीं नहीं, हमारी बताना जरूरी है आशा जी। प्लीज। नहीं नहीं, आशा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, आज जयपुर से जुड़ी हैं। इन्होंने पीएचडी की है और पीएचडी करके डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित हुई हैं भक्तांबर स्त्रोत पे, और बहुत बड़े बड़े केस, जटिल जटिल केस सॉल्व करती हैं। जयपुर के यहाँ इनका नाम से, आशा जी के नाम को बोलने से लोग हीलिंग लेते हैं, और आशा जी ऐसी हीलर हमारे साथ हैं। ये हमारे मंजू दीदी के बाद पहली बार मंजू दीदी से जुड़े थे कोई व्यक्ति, तो उनका नाम था आशा जी जैन जयपुर। इन्होंने बहुत दिनों से कार्य कर रही हैं और बहुत लोगों को ठीक कर चुकी हैं। ऐसी आशा जी के विचार हम आज सुनेंगे। सभी लोग ध्यान से सुनिए, अपने आप को प्रेरित करिए। कितने दिनों से लगातार उसमें प्रयासरत हैं भक्तांबर की प्रभावना में और कर रही हैं, और लोगों को हेल्प बहुत लाभान्वित लोग हो रहे हैं। ऐसी आशा जी के विचार हम आज सुनेंगे। चलिए भाई साहब, आपका बहुत बहुत साधुवाद। संगम फाउंडेशन के नीरज जी, सिद्धायतन की ट्रस्टी श्री ललिता जी सेठी, और हमारे आईवीएस सेंटर की हम अध्यक्षा, ट्रस्टी या संयोजिका या प्रमुख हेड, आज हमारे विनय अर्चना जी, और साथ में इसके साथ जो हमारे आज इतने आईवीएस सेंटर जो चल रहे हैं, उन सभी की प्रमुख अनुपमा जी, रीता जी, शशि जी, बहुत सारे लोग जिन्होंने आज इस
आदिनाथ भगवान की दो पुत्रियां ब्राह्मी सुंदरी के रूप में भक्तामर की ज्योति को पूरे विश्व में व्याप्त करने के लिए जो कार्यरत हैं, वे हैं एक मंजू जी और एक अर्चना जी। आज बड़े हर्ष का विषय है कि हमारी ही बहन ने आज सोचिए कि गोल्ड अवार्ड से जिसको विभूषित किया है, आज गिनीज बुक में जिनका रिकॉर्ड में नाम आया है, भारत के एक एक कोने को तो सभी स्तोत्र को जानते हैं, जिन्होंने पूरे विश्व में इसकी अलग जगा करके एक एक जनमानस के हृदय में जिन्होंने इस मंत्र को अपनी ध्वनि तरंगों के माध्यम से और अनूठी अनूठी चीजों को देश विदेशों में पेश करके आज जो दे रही हैं, वह है हमारी अर्चना जी। आज आचार्य श्री मानतुंगाचार्य जी ने बड़े करुणा भाव के साथ सदियों वर्ष पहले इस भक्तामर स्तोत्र को हम भव्य जीवों को एक धरोहर के रूप में देकर गए, जिसके हर एक श्लोक में रसायन बटी के रूप में स्वर्ण भस्म और मोती भस्म का रसायन प्याला बनाकर 48 मोतियों की माला के रूप में पिरोया, और आज उन 48 माला की मोतियों के मंत्रों को यदि किसी ने प्रयास किया है कि इन मोतियों में कितने कितने रंगों के अलग अलग रसायन इसमें सम्मिलित हैं, आज एक एक श्लोक में 56 मंत्राज हैं, 2688 मंत्राज, और जिसका कि 100 से ज्यादा आज अर्चना जी ने हम सभी को बीज मंत्र के रूप में हमें देकर और जन जन में वितरित करने की अनुमति प्रदान की, और आज हमने पूरे विश्व के कोने कोने में इन मंत्रों को, इन बीज मंत्रों को हमने फैलाने का अथक प्रयास करते हुए आज कम से कम भी तो पूरे 371 दिनों में, आप सोचिए, इमेजिन कीजिए कि कितने लोगों ने ये मोती लूटे होंगे और कितने लोगों ने इन मोतियों से अपने जीवन को संवारा होगा और इन मोतियों से अपने घर को सुसज्जित किया होगा। आज पूरा विश्व भक्तामर के श्लोकों से, भक्तामर के मंत्रों से अभिभूत, घर घर में आज कोविड का काल समाया हुआ है, भयातुर जनता आज मंत्रों के माध्यम से, ध्वनि तरंगों के माध्यम से वह अपने आप में शांति अनुभव कर रही है। ये बहुत बड़ा एक, जिसको कहते हैं कि यह एक बहुत बड़ा जो अर्चना जी ने एक गोल अपना माइंड में सेट करके जो अचीव करने का प्रयास किया, वह एक धरोहर के रूप में पूरे विश्व के अंदर आज व्याप्त हो गया है। इतना ही नहीं, आज जब हम जब इस साउंड वाइब्रेशन के माध्यम से इनकी ध्वनि और इन मंत्रों को हम तरंगित करते हैं, तो जब परिवारों के वीडियोस मैसेजेस आते हैं तो ऐसा लगता है कि आदिनाथ भगवान ने अपने समोसरण में ही इन दो देवियों को आशीर्वाद प्रदान कर दिया, और अवश्य ही यह मुक्त आत्माएं एक दिन स्त्रीलिंग पर्याय को छेदकर अवश्य यह भोग भूमि में, यह अवश्य
स्वर्ग के सुखों को भोगती हुई मनुष्य पर्याय में आकर एक दिन अपने कर्मों की निजरा करेंगी, बशर्ते कि कार्य को करते हुए अपने कार्य में नाम और मान और प्रतिष्ठा इसकी आशा से निर्लिप्त होकर करें, तो ये निश्चित है कि आदिनाथ भगवान की ये ब्राह्मी सुंदरियां पूरे विश्व में एक दिन आज गिनीज बुक में आई है। गिनीज बुक तो यही रह जाएगा, इनकी अटेंडेंस, इनकी करेंसी वहां ऊपर तक पहुंच रही है। और इनके माध्यम से हम सभी बहनें जो आज इस कार्य क्षेत्र में हम बिल्कुल कमर कस के लग चुके हैं और अपनी सेवा दे करके, और आज क्रिटिकल, आज मेरा परम सौभाग्य है कि आज मंजू दीदी ने मुझे क्रिटिकल हेड आईसीयू वेंटिलेटर पर, हालांकि मैं प्रयास करती हूं पर मेरे पीछे एक गुरु का एक हाथ होता है, हर प्रोग्रेसिव के पीछे एक गुरु का हाथ होता है। आज अर्चना जी के पीछे एक गुरु का हाथ, एक माता पिता का हाथ, आज उनके पिता जो एक संस्कारी पुत्री को, हम समाज को एक धरोहर के रूप में देते हुए और आदि प्रभु की ब्राह्मी पुत्री के रूप में भेंट कर दी है उन्होंने। तो मैं चाहती हूं कि सभी बहनें जो भी इस कार्य क्षेत्र में जुटी हुई हैं, वह बिल्कुल आशा से रहित होकर एकदम, मतलब कहते हैं कि मुझे किसी भी नाम की आशा नहीं है, मुझे प्रतिष्ठा नहीं, मुझे यश की लालसा नहीं, बस जन जन मानस के चेतन में ये उषा काल की बेला हो, जन जन मानस के परिवारों में यह उषा काल की बेला हो, घर घर में मंगलाचार रहे, घर घर में मंगलाचार रहे। आज एक छोटे से भम बीजाक्षर से, आज छोटे से पम बीजाक्षर से आप देखिए, हम लोगों ने एक एक श्लोक के माध्यम से, एक एक बीज मंत्र के माध्यम से हजारों 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 लोगों को वेंटिलेटर से, आदि प्रभु की कृपा से, गुरु के आशीर्वाद से आज अपने अपने परिवारों में आज वह लोग बड़ी आनंद के साथ में रह रहे हैं। मैं जितना बोलूं आज हमारे गुरु के लिए उतना ही कम है। 371 को आप यदि इस अंक को भी जोड़ करके देखिए तो अभी भी वर्तमान स्थिति में भी अर्चना जी को कंपल्सरी है कि अपने सेशन को 10+1 यानी 1+1=2, यानी आपको 2 साल अभी कोरोना काल में आपको अपने स्वाध्याय के माध्यम से जनता को अभिभूत करना होगा। जब आप रत्नकरण श्रावकाचार्य चलाती हैं, जब आप बीज मंत्रों की ध्वनि को तरंगित करती हैं, जब आप भक्तामर के स्तोत्र को समझाती हैं, आपकी ध्वनि में से एक सरस्वती की राग झलकती है। इतना मैं कितना बोलूं, बहुत कम है। गुरु के गुणों को कितना बोलूं, बहुत कम है मेरे लिए। लेकिन मैं बहुत कोटि कोटि साधुवाद देती हूं कि अर्चना जी, एक और बता दूं, हर प्रोग्रेसिव के पीछे, हर प्रोग्रेसिव महिला के पीछे उसके पति का पूरा साथ होता है। जो आप प्रतिदिन 2 मैडम को देखते हैं, एक है मिस्टर एंड मिसेस विनय अर्चना जैन, एक है मिस्टर एंड मिसेस संतोष ललिता सेठी जैन। ये बड़ी गौरव की बात है। आज पूरे विश्व को आप लोगों ने समायोजन
योजित कर रखा है। अपने जूम के माध्यम से आज 371 दिनों तक चलाना और उसमें भी एकदम आइटम की तरह, मतलब इतने सुंदर सुंदर आप इनके अंदर इस बगिया में इतने सुंदर सुंदर आप, मतलब जिसको कहते हैं आइटम्स आप पेश करते हैं, चाहे आप भक्तामर के श्लोका से, चाहे आप सहस्त्रनाम विधान से, चाहे आप 2688 मंत्रों से, चाहे आप रत्नकंड श्रावकाचार से। अब मेरी बहुत दिनों से एक इच्छा है कि आप तत्वार सूत्र के 6 नंबर से आप 10 नंबर तक के अध्याय को प्रारंभ करें, ताकि कर्मों का आश्रय कैसे होता है और कर्मों के आश्रय को कैसे रोकते हैं, कर्मों के आश्रय पर कैसे अपने मन पर बंधन करते हैं और उनको हम कैसे निर्जरा कर सकते हैं, और हम निर्जरा करके हम मुक्त आत्मा कैसे बन सकते हैं। आपके इस भक्तामर में अपार शक्ति है, यदि श्रद्धा भक्ति और विश्वास के साथ में जो लोग करते हैं वह निश्चित रूप से वेंटिलेटर से और निश्चित रूप से मृत्यु के मुंह से बाहर निकलकर अपनी जो आयु उनकी बाकी है उसे वह पूर्ण रूप से भोग करके और फिर वह उर्ध्वगमन करते हैं। आज हम लोग जितने भी कार्यक्रम कर रहे हैं वेंटिलेटर वालों को इसी क्रम से, उन्हें हम धीरे धीरे सभी परिग्रहों का त्याग कराते हैं, उन्हें धीरे धीरे ब्रह्मचर्य नियम दिखाते हैं, उन्हें हम समाधि मरण सुनाते हैं, उन्हें हम 12 भावना सुनाते हैं, समय शिखर की वंदना दिखाते हैं, उन्हें समोसरण की रचना का स्मरण कराते हैं और फिर उन्हें अपने गुरु को बुला करके आशीर्वचन के साथ में उन्हें हम विदाई की बेला में उर्ध्वगमन कराने के लिए विदा करते हैं। अभी प्रत्यक्ष में हमने ललिता जी को भी दिखाया कि देखिए अभी तो थ्योरी चल रही है, हम आपको प्रैक्टिकल दिखाते हैं, क्योंकि 1 साल से हमने थ्योरी की क्लास को प्रैक्टिकल में कन्वर्ट करा है। आज मंजू जी ने 10 सालों में, मैंने अपनी पीएचडी के दौरान में एक एक चीजों को मैंने उसके अंदर जमीन से लेकर मिट्टी से लेकर पेड़ पौधे से लेकर जानवर से लेकर, मेरे पेट्स हैं डॉग, मेरी काऊ, मेरी बकरी, और यहाँ तक कि मेरा सबसे फेवरेट है एलिफेंट, जिसको मैं गुड़ और जिसको मैं चना दाल खिलाने के लिए बहुत दूर तक चली जाया करती। आज मेरी गाय है, आज भी मेरे हीलिंग सेशन के दौरान मेरी काऊ चारा, रोटी ऑन व्हील्स, आज मेरे पेशेंट जगह 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 आज पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, और सभी कहते हैं हमें कुछ रास्ता बताओ। सोचिए आप कि इनका कितना बड़ा महत्व है। धर्म अपनी जगह है और जीव दया अपनी जगह है। आज जीव दया मनुष्य के लिए हम कर रहे हैं हीलिंग के माध्यम से। आज जानवर के जब बच्चा पैदा होता है, गाय का बच्चा, सोचिए आप साउंड वाइब्रेशन से गाय का बच्चा इजरी हो गया, एकदम लेटेस्ट बात है, एकदम लेटेस्ट बात। बकरी के बच्चा होने वाला था और उसको 40 नंबर से 48 नंबर तक के श्लोक उसको चेंटिंग किया और वह झाड़ पे चढ़ करके फटाक से नीचे बच्चा गिरा देते। ये सब प्रैक्टिकल है। बिल्ली के बच्चे घर पे पैदा होते हैं और उन्हें दूध हम उद्भूत भीषण जलोदर बाहर भुगना और अल्पश्रुतम के साथ में उन बच्चों को, जब वो पेटी में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बिल्ली बहुत डरी हुई होती है कि कहीं मेरे बच्चों को उठा करके ना ले जाए, लेकिन जैसे ही वो इन मंत्रास को सुनती है बिल्ली भी अपने बच्चों को लिपटा करके और वह अपना स्तन पान करने लग जाती। जब तिरियंच
प्रैक्टिकल हम देखते हैं कि इन मंत्रों का कितना प्रभाव है। मेरा कुत्ता जो गाड़ी के टक्कर से जिसकी टांग टूट गई थी और जिसको स्कैबीज एक बीमारी हो गई थी, उसको 10 दिन तक सिद्ध चक्र विधान का गंधोदक लगा करके उसको ठीक करके उद्भूत भीषण से, और वह कुत्ता जो कि डावरमैन था और वह कुत्ता ठीक हो गया और डेली उसको नमोकार मंत्र और उद्भूत भीषण सुना करके उसको बिस्किट खिलाते। सोचिए जब तिरियंज को इतना बोध है तो मनुष्य के तो साउंड वाइब्रेशन और ये जो बीज मंत्रों के जो नैनो टेक्नोलॉजी आज यंगस्टर इतना फॉलो करते हैं। आंटी आपको छोटा सा बता दो, हम क्वारंटाइन है, श्लोकाज हमें याद नहीं होता है, आप खाली हमें इतना बता दो बस कि कौन सा मंत्र हमको करना है। उन्हें हम कहते हैं कि पूरी शुद्धि के साथ करना होगा आपको चेयर पर बैठ करके। हाँ आंटी हम फॉलो करेंगे। आज यंगस्टर चेयर पे बैठ करके क्वारंटाइन भी होकर के आज वह अपने कमरे में भ्रम बीजाक्षर से 3.5 बुखार को 99.5 रात को 2:30 बजे जिस बच्चे के 4 बुखार और पेरेंट्स इतने परेशान कि कहां जाएं इस कोरोना काल में, 2:30 बजे जिस बच्चे को बम बीजाक्षर से चैंटिंग करी और सुबह 7:30 बजे वह बच्चा बिल्कुल चाय बिस्किट खाया और उसको 99.5 बुखार था। सब ये सारे जो ये जितने भी केसेस है ये अर्चना जी के पास आते हैं, सारे श्लोकाज की जो हीलिंग होती है और सारे जितने भी केसेस होते हैं वो मंजू जी के पास ट्रांसफर करते हैं। मेरे लिए दोनों गुरु महान है क्योंकि मेरी बरसों से तमन्ना थी, मैं आरिका मेरी सुपार्श्वती माता जी के पास, आरिका विशुद्धवती माता जी के पास, आरिका जिंदेवी माता जी के पास मैं बहुत बहुत समय मैंने उनके साथ में स्वाध्याय किया और बहुत कोशिश करा करती थी कि मुझे बीज मंत्र समझा दो, पर गुरु यही कहते थे कि बीज मंत्र कभी भी श्रावक नहीं करते, उन्हें सिर्फ और सिर्फ आचार्यों को ही उसको चेंटिंग करने और उसका ध्यान करने का हक मूलाचार में बताया। हम खाली 8 बीज मंत्रों का ही ध्यान करते और बताते कि हाँ भाई इन जो शांति विधान में आते ठीक है, हमने बरसों तक इस बात को अपने अंदर में और इन इन मंत्रों को हमने फॉलो किया। और आज जब अर्चना जी ने जिसको प्लाज्मा 15,000 हो गया, 4.5 लाख होना चाहिए, जिनको हूं और लंब बीजाक्षर की चेंटिंग देकर जिनको 90,000 जिनका काउंटिंग करवाया, जिनको 1 यूनिट प्लाज्मा चढ़ा करके और बीज मंत्रों की चेंटिंग और पहले श्लोक की ओम घ्राम ग्रीम ग्रूम घ्राम श्रीम क्लीम ग्लूम क्रोम ओम ह्रीम नमः स्वाहा, जब इस मंत्र की चेंटिंग करी और उनका 1.5 लाख प्लेटलेट्स काउंटिंग में आए, ये सब बिल्कुल प्रैक्टिकल है और विथ मेडिकल रिपोर्ट के साथ। आज मेरी एक एक केस स्टडी को आप उठा के देखेंगे उसमें पूरा का पूरा एकदम एक फिल्म बनी हुई है। एडमिट कब हुआ, कितने टेस्ट हुए, कितने सिटी स्कैन हुए, कितनी दवाइयां जा रही, कितनी बजे रेमेडी चल रही है, कितनी बजे हम चेंटिंग दे रहे हैं,
कितनी बजे उनका रिप्लाई आ रहा है, कितनी बजे उनको रिप्लाई हम दे रहे हैं। आपके ही सेंटर में नमिता जैन, जिनकी मम्मी सीता जी जैन कैलकटा से, जिनकी कोई चांस नहीं थी, एक एक, एक उदाहरण क्या, अनेकों उदाहरण है। अब तक हजारों केस ऐसे हो चुके हैं, मंत्रों के माध्यम से, रिद्धि मंत्रों के माध्यम से। यंगस्टर हमारे सभी लेते हैं नैनो टेक्नोलॉजी, सभी बच्चे इतने ज्यादा इन मंत्रों की चैंटिंग करने लग गए हैं कि बस आंटी मेरे गले का दर्द ठीक हो गया, मेरे पम बीजाक्षर दे दो आंटी, आंटी मेरे को रम बीजाक्षर दे दो, मेरे माथे में दर्द हो रहा है। आज क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि आज उनकी एक एक तकलीफें दूर हो रही है, और जितने भी केस हैं वो सब प्रैक्टिकल है। जितने भी केस हैं और विथ वीडियोस हैं और विथ कॉन्टेक्ट नंबर है, तो मैं सबसे बहुमान करती हूं कि नीरज जी सुराणा और ललिता जी सेठी और अर्चना जी, आप लोगों ने इस जूम के माध्यम से आईबीएस सेंटर की स्थापना कर पूरे विश्व के अंदर जो सेवा प्रदान कर रहे हैं और जिससे जन जन का कल्याण हो रहा है, वह अद्वितीय है। आज तक न किसी मुनिराजों ने, ना ही किसी पंडितों ने, ना ही किसी श्रावक ने आकर के ऐसी कोशिश की होगी हमारे जैन धर्म के अंतर्गत। हमने धर्म का बहुत प्रचार किया, हमारे साधुओं ने धर्म का बहुत प्रचार किया, वो देश विदेशों में प्रचार आज भी कर रहे हैं। उनका एंगल अलग है, वो मोक्ष मार्ग को सीधा बताते हैं। यहाँ हम कहते हैं कि जीवन सत्यम शिवम सुंदरम, इस जीवन को हमें कैसे सजाना है, ना कि जीवन का नाम सिर्फ मोक्ष की प्राप्ति करना। नहीं, जीवन को हम, इस बगिया को हमें कैसे सजाना है, वो टेक्निक आज हमारी दोनों गुरु हमें सिखा रही हैं और हम उसे बांट रहे हैं। मैं कितना बोलूं, मेरे पास बहुत बोलने के लिए शब्द है। अर्चना जी और मंजू जी, जिन्होंने जो ये काम किया है और आज जो ललिता जी काम करवा रही है, मैं कहती हूँ इमेज, यदि आप आज जितने भी हैं सेंटर में है, सब लोग अपनी सेवा दे रहे हैं। आज खाली स्कूल होने से कुछ नहीं है, स्टूडेंट ना हो तो वह स्कूल का कोई मतलब नहीं। मैं स्टूडेंट्स को भी थैंक्स बोलती हूँ कि आपके पीछे इनके बीजों की इतनी वितरण हो रहा है। क्या प्रिंसिपल अकेला कहीं बीज को बेचने जा सकता है? नहीं जा सकता है। स्टूडेंट भी खेलते हैं अपनी ज्ञान ज्योति से, अपने गुरु के आशीर्वाद से। तो जरूरत है आज तत्व चर्चा के माध्यम से कोरोना काल में कि किस तरह हम अपने कर्मों को, आश्रव को रोकें। तो इसका बहुत सुंदर वर्णन छठे अध्याय से प्रारंभ होकर, और हमें जो रास्ता आदिनाथ भगवान ने प्रशस्त किया है और जिस पर ले जाने के लिए, जो संसार में सुख की अनुभूति कराने के लिए आपने बीज मंत्रों से घर घर में मंगलाचार आप करवा रही हैं। कल का एक बहुत अच्छा आपको उदाहरण देती हूँ कि कल 3 दिन पहले मुझे कहा कि आशा जी हम इन्हें महामृत्युंजय का जाप करवा रहे हैं। मैंने कहा मेरी बहन, हमें अभी जीवन को अवसान की दिशा में नहीं, हमें वर्तमान में रहना है। भविष्य की कल्पना को हम वर्तमान के साथ साकार करेंगे और इसे सत्यम शिवम सुंदरम के रूप में हम अपने घर परिवार के साथ में स्वस्थ और दीर्घायु और निरोग के लिए
आदिनाथ भगवान के द्वारा प्रशस्त हम भक्तामर के श्लोकों के माध्यम से इन्हें हम प्रयास करेंगे। वेंटिलेटर का मरीज आप विश्वास नहीं करेंगे, और कल यह कलकत्ता के प्रतिष्ठित फैमिली से रिलेटेड हैं। आप सोचिए, कल्पना कीजिए थोड़ा सा कि जिन्हें आप मृत्युंजय का जाप करके अवसान की तरफ हम कहते हैं नहीं, अभी हमें उनका कदली घात मरण नहीं, हमें उन्हें जीवन जीने के लिए उनके श्वासों में मंत्रों को प्रेषित करने दीजिए, अभी उनका जीवन बाकी है। बहुत सुंदर विचार। और वह कल कमरे में आ गए, आने के बाद में जो उनकी खुशी वो देखी नहीं जा रही थी, मेरे साथ कितनी देर उन्होंने अपने पुराने विचारों को शेयर किया, और उन्हीं के मकान में मैं जन्म लेकर के जहां पर मैंने चलना शुरू किया। सोचिए कितना अहोभाग्य है कि मैंने उस धरती का ऋण चुकाने के लिए मुझे पता भी नहीं, लेकिन अनायास ही मुझसे यह अर्चना जी और मंजू जी के प्रशस्त मार्ग पर चलकर इस कार्य को करने के लिए आशीर्वाद भेजकर, ये दोनों एंजल बन के पीछे रहते हैं। चलिए, आप कैसे करते हो? क्षमा चाहेंगे, बहुत डीपी रखती हो। जब विदाई की बेला आती है तो वेंटिलेटर पे गुरु को ले जाती हूँ कि नहीं आप संबोधन कर दो, अब समय नहीं है। बहुत सुंदर भावना आपकी। क्या समाधि मरण और क्या अवसर, जहाँ पति होता है, जहाँ पुत्र होता है सामने, और जहाँ गुरु होता है। सोचिए वह घड़ी वेंटिलेटर पर भी हम लोग आज करवा देते हैं। यह सारी प्रेरणा हमारी गुरु माता हमें समय समय पर संबोधन करके सिखाती हैं और हम उन्हें एक्टिवेट करते हैं। बहुत सुंदर भावना है डॉक्टर आशा जी जैन। आप कितना कहूँ आपके दो रत्नों के लिए, कितना कहूँ मैं आपके स्पाउस के लिए, बहुत कम है। जितने मोती आपने बांटे हैं उतनी मोती आपकी झोली में है, जितने मोती आप बिखेर रही हो उतने मोती आपके अग्रभाग में आपके लिए इंतजार में है। आप अवश्य ही भगवान के आशीर्वाद से और सभी जनमानस के आशीर्वाद से अवश्य स्त्री पर्याय को छेद कर आप देव योनि में जाकर उत्तमोत्तम सुख को भोग कर संयम को धारण करने मनुष्य पर्याय में आए, और अवश्य अवश्य अपनी सीट आरक्षित करें, अपनी करेंसी आप जो इकट्ठी कर रही हैं उन सभी में हम सभी बहनों का आपके लिए बहुत सारे सुखद अनुभूति के साथ में मैं सभी बहनों को कहती हूँ, कार्य करो लेकिन आशा से रहित करो। मेरा नाम आशा है, और आशा से रहित कहीं अपने भावों को विराम दो। कोरोना ने हमको बोला है कि सोशल डिस्टेंस अर्थात अपनी आत्मा में रमण करना, दो गज की दूरी अर्थात स्वाध्याय करके अपने मकड़ी के जाले से अपने कमरे को बंद करके आत्मचिंतन में तल्लीन होना, मुंह पर पट्टी मास्क लगाना अर्थात मेरे द्वारा कहीं पर भी किसी भी शब्दों को उच्चारण करते समय वायु काय के जीव बिना काम के ना मरे, इसीलिए यह मास्क का प्रयोग किया गया है। इन तीन बात को यदि हम अपने जीवन में अंगीकार करने का प्रयास करेंगे तो समो शरण में आदिनाथ के 4000 साधु साथ में थे,
और ब्राह्मी सुंदरी जो उनकी श्रेष्ठ थी, उसी श्रेणी में हम बहने अपन भी आरिका के रूप में चलने का प्रयास कर सकते हैं, यदि अपने मन को आप एकदम अपरिग्रह के साथ संयमित कर लें। जे आप देखिए अपनी छोटी बहन अर्चना जी है आज कितना संयमित, आज इनकी ध्वनि में ओजस्व क्यों है? क्योंकि जो जितना संयमी होता है उसके में उतनी ही ताकत होती है। ब्रह्मचर्य एक नियम होता है, साउंड वाइब्रेशन करने से पहले किसी का यदि वेंटिलेटर पे आप देवलोक करवाते हैं, आपको निश्चित रूप से उस दिन एक चीज का त्याग करना चाहिए। आपको हीलिंग के क्षेत्र में आने से पहले अपने ब्रह्मचर्य व्रत पर आपको अपने नियम लेना चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे नियमों से पामर जीव पार उतर जाता है। कोरोना हमें बहुत सारी चीजों को सिखा रहा है, तो आइए आज इस महायज्ञ में हम सभी बहने अवश्य पंच महाव्रत अंगीकार नहीं पंच अणुव्रत को सूक्ष्म रूप से अंगीकार करते हुए इस कार्य क्षेत्र में अपनी जीवन यात्रा करें, और जीवन यात्रा आपकी एक आनंद यात्रा के रूप में बन जाए। इसी भावना के साथ में मैं कोटि कोटि साधुवाद देती हूँ आईबीएस सेंटर के सभी हीलर्स को, सभी आयोजकों को, सभी जो सुबह से बैठते हैं सुनने के लिए, और जिन्होंने बड़े तन्मयता से मेरा इतनी देर तक बोलना जिसने सुना है, उसके लिए पेशेंस की जरूरत होती है। सही बात है आशा जी, बहुत सभी को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, और सभी अपने अपने कार्य क्षेत्र में पूरे श्रद्धा भक्ति और विश्वास के साथ में और एकदम नाम और यश को छोड़कर लगे रहिए। आप निश्चित रूप से एक दिन सर्वश्रेष्ठ की श्रेणी में श्रावक बनकर के आप उर्ध्वगमन अवश्य कर पाएंगे। जितना त्याग उतना शरीर हल्का, और एरंड बीज के समान आप बिल्कुल जीव द्रव्य का स्वभाव एरंड बीजवत, और वह उसी तरह से उर्ध्वगमन कर पाए, ऐसी भावना के साथ मैं सबको नमस्कार करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ, और आप लोग अपने कार्य क्षेत्र में लगे रहिए। सबको जय जिनेन, सबको जय जिनेन, सबको जय। बहुत धन्यवाद आशा जी, इतना सुंदर। और मैंने एक चीज देखा अर्चना जी, जैसे मंजू को कुछ सुनाई नहीं देता ना जिस समय वो कार्य करती है, वैसे ही आशा जी को जो अपने कार्य में जब लग जाते हैं ना, तो उनको कोई शब्द नहीं सुनाई देते, सिर्फ एक ही ध्येय उनका रहता है कि वो मैं बात उस तक कैसे पहुंचाऊं, मेरे पेशेंट्स लोगों को वो बात कैसे पहुंचे। ऐसे धन्य आशा जी, बहुत 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 ही सुंदर बोला आपने, थैंक यू। बहुत सुंदर आशा जी, एकदम बहुत अच्छे विचार आपने रखे। एरंडी के बीच के समान ऊर्ध्वगमन स्वभाव का आपने यहाँ बताया, तो बहुत सुंदर। तो बहुत बहुत आभार, भी हम जरूर दिखाएंगे आपको कि ऊर्ध्वगमन स्वभाव। जब पिंडस्थ ध्यान कर रहे थे तो एक महिला का ऊर्ध्वगमन स्वभाव का वो हम जरूर आपको समय रहते जरूर दिखाएंगे कि कैसे होता है वो पिंडस्थ ध्यान के माध्यम से कैसे हुआ, वो प्रैक्टिकली कभी दिखाएंगे हम आपको।